नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उबर्झायाणं नमो भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादां वालम्बनं भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम् तेईसवें और चौबीसवें काव्य का पाठ कर रही हूँ। त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् आप भी दोहराएंगे। त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः आज 25वां काव्य है। एक भक्त को अपने आराध्य में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। जैसे सब विद्यालयों में एक श्लोक पढ़ाया जाता है, एक काव्य पढ़ाया जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यही बात आचार्य मानतम स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि हे आदिश्वर प्रभु, मेरे लिए आप ही सब कुछ है, मेरे लिए आप ही बुद्ध हैं, मेरे लिए आप ही शंकर हैं, मेरे लिए आप ही विधाता है ब्रह्मा, और मेरे लिए आप ही पुरुषोत्तम नारायण है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधार्थ। विबुधार्चित शब्द तृतीय काव्य में था, बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद बीज। यहाँ पुनः विबुधार्चित शब्द, विबुध शब्द भक्तावर सूत्र में तीन बार आता है,
छत्तीसवें काव्य में भी विभूति जाने वाले हैं। पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। ब ब ब का अनुप्रास है, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात्। तो बोधात् तक तक के अपने को पाठ करना होगा। दूसरी पंक्ति में त्वम है तो उसके साथ एक त और आधा जुड़ा हुआ है, तो उस त का उच्चारण यहां ऊपर करना है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् तंशंकरोसि, अंश जैसा उच्चारण, तंशंकरोसि भुवनत्रयो शंकरत्वात्। शंकरोसि शंकरत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानाद। अब यहां पर विधानाद नीचे वाली पंक्ति में जो द है उसको यहां तीसरी पंक्ति में उच्चारित करना, विधेर विधानाद। और नीचे की पंक्ति में अंतिम पंक्ति में व्यक्तं त्वमेव भगवन्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। पुरुषोत्तमोसि नहीं, पुरु रमे उ की मात्रा का शुद्ध उच्चारण करना, पुरुषोत्तमोसि। इसको लय में पढ़कर सुनाते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् तंशंकरोसि भुवनत्रयशंकरत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। अब आप लोग दोहराएंगे। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। त्वं शंकरोसि भुवनत्रयशंकरत्वात्। धातासि धीर शिवमार्ग विधिर्विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। त्वमेव बुद्धः, आप ही बुद्ध हैं। त्वं शंकरोसि, आप शंकर हैं। धाता से, आप धाता ब्रह्मा हैं। त्वमेव पुरुषोत्तमोसि, आप ही पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु नारायण है। तो बुद्ध शंकर ब्रह्मा और विष्णु मेरे लिए सब आप हैं। और आचार्य मानतोंग स्वामी अपनी बात को प्रमाणित भी कर रहे हैं, जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अंधभक्ति में आपको सब कुछ मान रहा हूं। इन शब्दों के अर्थ भी आप में घटित होते हैं। बुद्ध शब्द आप में घटित होता है, शंकर शब्द भी आप में घटित होता है, धाता शब्द भी आप में घटित होता है, और पुरुषोत्तम शब्द भी आप में घटित होता है। कैसे होता है देखिए, विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वमेव बुद्ध। देवों के द्वारा, विबुध शब्द का अर्थ स्मरण कीजिए। विबुध का अर्थ एक तो देव होता है और दूसरा अर्थ विद्वान भी होता है। तो देवों के द्वारा अर्चित है, वहां तृतीय काव्य में देवों के द्वारा अर्चित पाद पीठ था, भगवान के चरणों की चौकी देवों के द्वारा अर्चित थी। यहां पर
विबुधार चित बुद्धि बोधात। बुद्धि का अर्थ यहां पर अपनी बुद्धि नहीं लेना, अपनी तर्कणा शक्ति को नहीं लेना है, यहां पर बुद्धि का अर्थ ज्ञान को लेना है, और बोध शब्द का अर्थ विकास भी होता है। बोध शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, बोध शब्द का अर्थ विकास भी होता है। तो देवों के द्वारा अर्जित ज्ञान का विकास होने से त्वमेव बुद्ध, आप ही बुद्ध है, यानी आपके ज्ञान के विकास को देवलोग पूजते हैं, देवलोग आपके केवल ज्ञान की अर्चना करते हैं, और देवों के द्वारा अर्चित केवल ज्ञान होने के कारण आप ही बुद्ध हैं। देखिए, व्याकरण से बुद्ध शब्द की उत्पत्ति ये बनती है, बोधतिस्म इति बुद्धः, जो जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? तो सर्वमित्यध्याहार, सब कुछ जान चुके हैं। जो सब कुछ जान चुके हैं उनको बुद्ध कहते हैं। बोधतिस्म इति बुद्धः, जो सब कुछ जान चुके हैं वो बुद्ध है। और देवों के द्वारा अर्चित ज्ञान का विकास होने से आप ही बुद्ध हैं। आप सब कुछ जान चुके हैं, इसीलिए तो देवलोग आपके ज्ञान की अर्चना करते हैं। अगर आपका ज्ञान अपूर्ण होता तो फिर देवलोग अर्चना क्यों करते हैं? इसलिए आप बुद्ध हैं, और आप ही बुद्ध हैं मेरे लिए। तो फिर तम शंकर, उसे आप शंकर हैं। क्यों? क्योंकि शम का अर्थ आनंद होता है, और भुवनत्रय शंकरत्वात्, भुवनत्रय का अर्थ होता है त्रिलोक, तीनों जगत, तीनों जगत के लिए शंकरत्वात्, आनंदकारी होने से तम शंकरोसि, आप शंकर हैं। आप तीनों जगत को आनंदित करते हैं, इसलिए आप शंकर हैं। देखिए, जब भगवान का जन्म होता है तब गुरुओं के मुख से ये बात सुनने को मिलती है कि नरकों तक में एक अल्प काल के लिए दुख शांत होता है। कहते हैं कि वहां निमिष मात्र भी सुख नहीं है, ठीक है, लेकिन जो जारी था, तूफान मचा हुआ था दुखों का, वो आपके जन्म क्षण, अर्थात आप जिस समय जन्म लेते हैं उस समय वो शांत होता है, फिर वापस सब चालू हो जाता है। लेकिन ये है कि तीनों जगत को आप आनंदित करते हैं, इसलिए आप शंकर, शंकर अर्थ आनंद होता है। और फिर संबोधन दे रहे हैं इस काव्य में, दो संबोधन है, जैसे दशम काव्य में दो संबोधन थे, भुवन भूषण भूतनाथ, यहां भी दो संबोधन है। तो हे धीर, धीयम ईरयते इति धीर, जो बुद्धि को प्रेरित करें उनको धीर कहते हैं। जब संकट आता है तब बुद्धि विचलित होती है, लेकिन धीर वे होते हैं जिनकी बुद्धि संकट में विचलित नहीं होती, जिनकी आत्मा अपनी बुद्धि को स्थिर रहने के लिए प्रेरित करती है, वो धीर कहलाते हैं। ठीक है, देर है, अंधेर नहीं, जो भी होगा, यदि दिशा शिखर जी की है तो बीच में कुछ रुकावटें आ सकती है, टायर को रिपेयर करना पड़ सकता है, कार्बोरेटर में पानी डालना पड़ सकता है, ईंधन डालना पड़ सकता है गाड़ी में, इंजन को भी रिपेयर करना पड़ सकता है, लेकिन चूंकि लक्ष्य शिखर जी है तो पहुंचना तो वही है,
इसलिए ऐसी स्थितियों में अधीरता की आवश्यकता नहीं, सब यात्री हैं, और यदि सबका लक्ष्य एक है तो एक लक्ष्य के यात्री हैं। तो जिनकी अंतरात्मा उनकी बुद्धि को स्थिरता की प्रेरणा देती है वो धीर कहलाते हैं। धी शब्द का अर्थ बुद्धि है और ईरण शब्द का अर्थ प्र लगा दो तो प्रेरण हो जाता है, प्रेरणा होता है। धियम ईरयति इति धीरं तत्संबुद्धौ हे धीर। देखो ये उनके जीवनी में से भी, उनकी जीवनी में से भी अपन देखते हैं कि आदिश्वर प्रभु जब विदित योग बने, प्रतिमा योग धारण करके 6 माह के लिए अवस्थित हो गए, तब 4000 लोग जो उनके साथ स्नेहवश उनका अनुकरण करते हुए निर्वस्त्र हुए थे और वैसे उनकी देखा सीखी जो तपस्या कर रहे थे वो सब विचलित हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी बुद्धि को एकदम शांत रखा, स्थिर रखा। ये बोले तक नहीं, जानते सब कुछ थे, लेकिन इन्होंने कोई उपदेश भी नहीं दिया उनको कि ये क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। जब उन्होंने वस्त्र आभूषण त्यागे थे तब भी कुछ नहीं बोले थे, और जब वापस वो विचलित हो गए तब भी कुछ नहीं बोले। कितनी क्षमता होगी उनमें, थोड़ा सा ज्ञान होता है तो फिर बोले बिना रहा नहीं जाता। किसी की भी गलती देखते हैं या कुछ भी अपने प्रतिकूल देखते हैं तो बिल्कुल बोल पड़ते हैं, लेकिन नहीं, कम बोलते हैं। जो धीर होते हैं वो कम बोलते हैं, और जो तीर्थंकर होते हैं वो जब तक पूर्ण ज्ञानी नहीं हो जाते तब तक बोलते ही नहीं है दीक्षा के पश्चात। वो जितना छद्मस्त काल रहता है उनका दीक्षा के उपरांत, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वो छद्मस्त काल कहलाता है, केवल ज्ञान होने के उपरांत सर्वज्ञ काल कहलाता है, और जब दिव्य ध्वनि होती है तो वो देशना काल कहलाता है। दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो गई और अंत में निर्वाण का समय निकट आ गया तो फिर वो दिव्य ध्वनि को निष्ठापित करते हैं, समाप्त कर देते हैं, दिव्य ध्वनि में बोलना बंद कर देते हैं, तो फिर वो योग निरोध काल होता है। आदिनाथ भगवान ने पौष पूर्णिमा को अंतिम उपदेश दिया था और उसके बाद वो वहां से चले गए थे, समावसरण छोड़कर अष्टापद कैलाश पर्वत पर चले गए थे और वहां जाकर के उन्होंने योग निरोध किया। 14 दिन तक पद्मासन में अवस्थित रहे, 3 तीर्थंकर पद्मासन से निर्वाण को प्राप्त हुए थे। आदिश्वर प्रभु वृषभदेव भगवान, वासुपूज्य भगवान और अरिष्ट नेमी, जिनको नेमीनाथ भगवान के नाम से सब जानते हैं, ये तीनों पद्मासन से मोक्ष गए थे। और संयोग की बात है कि शिखर जी से जितने भी मोक्ष गए हैं वे सब उद्भव कायोत्सर्ग मुद्रा से मोक्ष गए, कोई भी पद्मासन से मोक्ष नहीं गए शिखर जी से। तो ये 14 दिन योग निरोध करके फिर माघ कृष्णा चतुर्दशी को परम धाम प्राप्त किया उन्होंने। तो धीर, जो अधीर नहीं होते, उतावली नहीं होती उनको किसी बात की और आलस्य भी नहीं होता, उनकी प्रज्ञा स्थिर होती है, उनकी बुद्धि शांत होती है।
तो हे धीर, विधि का विधान करने वाले विधाता कहलाते हैं, और उनको यहां पर धाता कहा, ब्रह्मा कहा, तो आप विधि का विधान करते हैं, कौन सी विधि का विधान करते हैं? तो यहां कह रहे हैं शिव मार्ग विधेर विधानात्, शिव मार्ग का अर्थ है परम कल्याण का मार्ग, शिव परम कल्याण, शिव शब्द का अर्थ होता है परम कल्याण, तो परम कल्याण का जो मार्ग है उसकी जो विधि है, उस मार्ग की विधि, विधि का अर्थ होता है चर्या, अनुष्ठान, क्रिया, उसका विधान, विधान का अर्थ भी आचरण होता है, तो मोक्ष मार्ग की क्रिया का अनुष्ठान करने के कारण विधि का विधान हो गया ना, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने से धातासि, आप धाता है, विधाता है, ब्रह्मा है। तो हे धीर, लोक में जो मान्यता है ब्रह्मा के विषय में वो यही है कि वो विधि का विधान करते हैं। यहां पर आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि विधि का विधान जिनको जैसा मानना हो वो माने, लेकिन हम तो ये मानेंगे कि मोक्ष मार्ग की विधि का विधान आप करते हैं, इसलिए आप ब्रह्म हैं। और फिर अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं भगवन, भगवन, ये एक भग शब्द के साथ मतुप प्रत्यय करके ये शब्द बना है। मूल शब्द भगवंत होता है, फिर उसके रूप जो होते हैं कातंत्र के अनुसार भगवान, भगवंतौ, भगवंतः, भगवंतम, भगवंतौ, भगवतः, हे भगवन, हे भगवंतौ, हे भगवंतः, ऐसे रूप चलते हैं। तो भग शब्द का अर्थ क्या है, भगवान शब्द के अंदर जो भग शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो भग शब्द के छह अर्थ होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति स्मृतः। एक भग, भग शब्द जो होता है वो छह के अर्थ में स्मरण किया गया है। छह अर्थ होते हैं भग शब्द के। पहला अर्थ क्या है, पूर्ण ऐश्वर्य, ऐसा ऐश्वर्य जिससे बड़ा कोई दूसरा ऐश्वर्य न हो, समग्र ऐश्वर्य। और मतुप प्रत्यय वहां लगाया जाता है जहां पर संपन्नता होती है। भगवान शब्द है, धनवान शब्द है। अब किसी के पास 5 का नोट है तो उसको धनवान नहीं कहेंगे, जिसके पास पर्याप्त धन राशि होती है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास अधिक गुण होते हैं उसको गुणवान कहते हैं। इसी प्रकार जिनके पास समग्र ऐश्वर्य होता है उनको भगवान कहते हैं। थोड़ा सा ऐश्वर्य हो तो भगवान नहीं कह रहेंगे। फिर भगवान, भग शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, वीर्यस्य, समग्रस्य वीर्य, पूर्ण शक्तिमान हो जो,
जिनसे अधिक शक्ति संपन्न कोई अन्य न हो, जो सर्वाधिक शक्ति संपन्न हो वो भगवान है। तो विश्व के बड़े बड़े प्रतियोगिता विजेता कालांतर में दुर्बल हो जाते हैं, लेकिन भगवान हमेशा सर्वशक्तिमान रहते हैं। इसलिए भग शब्द का दूसरा अर्थ है सर्वशक्ति, और सर्वशक्ति से जो संपन्न है वो भगवान है। फिर भगवान शब्द का और क्या अर्थ है? तो भग शब्द का तीसरा अर्थ है यशस, समग्रस्य यशस, इतना महान यश कि उस यश के समकक्ष किसी अन्य का यश नहीं हो सकता। सर्वाधिक यश जिनके पास होता है उनको भी भगवान कहते हैं, और ये सब केवल आदिनाथ भगवान में घटित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को भगवान संबोधन दे रहे हैं। और फिर भगवान शब्द का और क्या अर्थ है? तो भक्त शब्द का चौथा अर्थ है श्रिया, लक्ष्मी। तो भगवान के पास समग्र लक्ष्मी है। यहां पर लक्ष्मी जो है बाह्य लक्ष्मी को तो ऐश्वर्य कह दिया, अब ये जो लक्ष्मी है ये अंतरंग लक्ष्मी है। तो अंतरंग लक्ष्मी में उनके भीतर जो अनंत चतुष्टय है वो संसार का अद्वितीय ऐश्वर्य है, संसार की अप्रतिम अतुलनीय लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी संपन्न होने के कारण वे भगवान है। और ज्ञान, वैराग्योश्च, ज्ञान संपन्न भी भगवान कहलाते हैं। केवल ज्ञान संपन्न होने से भी आप भगवान, अकेले केवल ज्ञान, वो तो अनंत चतुष्टय है तो लक्ष्मी में चले गए, अब यहां मात्र केवल ज्ञान की अपेक्षा से भी आप भगवान है। और वैराग्य, अगर अपन इन छहों अर्थों को देखें तो आदिनाथ भगवान में ये सारे के सारे एक साथ देखने मिल जाएंगे। आदिनाथ भगवान छहों प्रकार से भगवान है, ऐश्वर्य से भी भगवान है, शक्ति से भी भगवान है, यश से भी भगवान है, लक्ष्मी से भी भगवान है, ज्ञान से भी भगवान है, वैराग्य से भी भगवान है। उनकी छवि ही अपने आप में वैराग्य मूर्ति है। उस मुद्रा को देखकर अपने आप वैराग्य के भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं, अपने आप राग द्वेष छटने लग जाते हैं, शांत होने लगते हैं। तो हे भगवन, त्वमेव पुरुषोत्तमोऽसि, आप ही पुरुषोत्तम है। नारायण की एक संज्ञा पुरुषोत्तम भी होती है, आप ही विष्णु हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं। क्यों? व्यक्तम, ये बात व्यक्त है, इसके लिए कोई तर्क या हेतु या युक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषेषु उत्तमः, पुरुषोत्तमः, सब आत्माओं में आप उत्तम आत्मा है, इसलिए आप पुरुषोत्तम है। और पुरुषोत्तम उनकी भी संज्ञा है, और शब्दार्थ की अपेक्षा से देखें तो सब जीवों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए पुरुषोत्तम है। इस तरह मुझे आप में ही सब कुछ प्राप्त हो गया है, मुझे अलग अलग कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। इस तरह आचार्य मानतुंग स्वामी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है इस काव्य में भगवान की।
उन्होंने भक्त होकर के भगवान में सबको पा लिया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव मम मेरे देवों के देव हे आदि देव त्वमेव माता मम मेरे लिए त्वमेव माता आप ही माता है। त्वमेव पिता च और आप ही मेरे पिता हैं। त्वमेव बंधुश्च आप ही मेरे बंधु हैं। त्वमेव सखा च आप ही मेरे सखा अर्थात मित्र हैं। त्वमेव विद्या आप ही मेरी विद्या है। त्वमेव द्रविणम आप ही मेरा धन है। द्रविण का अर्थ धन होता है और अधिक क्या कहूं। हे देव देव त्वमेव मम सर्व सर्वम आप ही मेरे लिए सब कुछ है। ये आराधना की एक मनोदशा होती है, भक्ति की एक धारा होती है, रस धारा। और हमेशा परमात्मा की आराधना भक्ति रस के साथ ही की जाती है। आत्मा की आराधना ज्ञान रस में जाकर की जाती है और परमात्मा की आराधना भक्ति रस में जाकर के की जाती है। आप देखिएगा संपूर्ण भक्तावर स्तोत्र में आचार्य मान्तुंग स्वामी ने तो अपने आप को बिल्कुल नगण्य बना लिया और अपने आराध्य आदिश्वर प्रभु को सर्वोच्च बना दिया और थे ही वो सर्वोच्च। तो उन्होंने इस तरह भक्ति की धारा प्रवाहित की है क्योंकि भक्ति नीचे से ऊपर जाती है। जो जितना नीचे होगा जितना छोटा बनेगा उसकी भक्ति उतनी ऊपर जाएगी। भक्ति में अपने को नगण्य और आराध्य को सर्वस्व बनाया जाता है और उसका जो रस है वो अद्भुत है। यहां तक की स्थिति आती है कि जब असहनीय वेदना की घड़ियां आती है भक्त के जीवन में तब भी वो अपने मन को शांत करके संबोधन देता है कि हे मन अधीर मत हो, भले ही तेरी पीड़ा का अनुभव कोई अन्य नहीं कर सकता लेकिन भगवान तो सब कुछ जान रहे हैं। बस भगवान तेरी वेदना को जान रहे हैं इसमें संतुष्ट हो जा। जो तेरे सबसे इष्ट हैं, तेरे इष्टतम हैं, भक्त के लिए प्रियतम भगवान होते हैं, तो तेरे प्रियतम को तो पता है ना तेरी वेदना, तो अब निश्चिंत हो जा, उनकी भक्ति कर। किसी वेदना की शक्ति भक्ति की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती।
तू भक्ति में बार बार डूब जा। वेदना सहन नहीं होती है, कोई बात नहीं, भक्त को तो सहिष्णु बनना ही पड़ता है, क्योंकि भक्ति का मार्ग समर्पण का मार्ग है, और समर्पण की बार बार परीक्षा होती है। क्यों घबराता है? धीरज रख, अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तू उनके प्रति समर्पित है जिनके एक वाक्य से सब कुछ ठीक हो सकता है। तू उनके प्रति समर्पित है, वे असाधारण है, वे साधारण को भी असाधारण बनाने में समर्थ है, और वे ये भी जानते हैं कि तुझे ऐसी वेदना क्यों हो रही है। उन्होंने अपने उपदेश में बताया भी है कि अपनी वेदना का कारण अपना ही पूर्वकालीन अपराध होता है, और इसीलिए वे किसी को छोटे मोटे संकटों से मुक्त नहीं करते, वे संसार से मुक्त करते हैं। छोटे मोटे संकट तो अपने ऋण हैं जो अपने को चुकाकर मुक्त होना है। चने के बराबर ऋण को भी चुकाए बिना मुक्ति संभव नहीं है। और अपराधी को दंड आवश्यक है, इसलिए वो दंड मुक्त नहीं करेंगे, वो तुझे संसार से मुक्त कर देंगे। हे भगवान, मेरी पीड़ा हर लो। उनके पास शक्ति है, हर भी लेते हैं। कभी जब एकदम भक्त टूट जाता है, सहन नहीं कर पाता, पर भगवान से कहता है कि भगवान मुझे शक्ति दो, एकदम भक्त कभी भी भगवान को बाध्य नहीं करता। अगर आपके ज्ञान में मुझे सुख प्राप्त होना है, तो मैं आपको और आपके ज्ञान को स्वीकार करता हूं। यदि आपके ज्ञान में मुझे दुख प्राप्त होना है, तब भी मैं बिल्कुल उसी भाव से आपको और आपके ज्ञान को स्वीकार करता हूं। मुझे संसार से पार लगा दो। अगर मैं आपसे दुख मुक्त होने की प्रार्थना करूंगा, जो वर्तमान दुख है उससे मुक्त होने की प्रार्थना करूंगा, तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं एक अलग प्रकार की प्रार्थना करता हूं। देखिए, आचार्य कुंदगुंद स्वामी ने प्रत्येक अंचलिका में जो भगवान से प्रार्थना की है, वो क्या की है? सबसे पहले कह रहे हैं दुख को, दुख का क्षय हो। फिर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ये भी जानते हैं कि दुख का कारण क्या है, तो तुरंत कहते हैं कम्मख हो, अथवा इसको दूसरे प्रकार से ऐसे कहें कि एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अभी अपन आचार्य कुंदकुंद स्वामी तक सीमित नहीं रखते उस प्रार्थना को, सभी लोग पढ़ते हैं ना, दुखक हो कम्मक हो, तो वो
एक आचार्य तक सीमित नहीं है ये प्रार्थना, सबकी प्रार्थना है। दुख खो, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी कहते थे कि वहां से भगवान कहेंगे कि दुखों का क्षय तो तब होगा जब तूने जो कर्म बांधे हैं वो नष्ट होंगे, क्योंकि दुख तेरे कर्मों से हो रहे हैं। तो भक्त कहता है कम्मक हो, कर्मों का क्षय हो। फिर भगवान कहते हैं कि कर्मों का क्षय बोलने से नहीं होता वत्स, कर्मों का क्षय रत्नत्रय से होता है। तो भक्त कहता है वो ही लाभ हो, मुझे उस बोधि का लाभ हो, अर्थात मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, बोधि का अर्थ रत्नत्रय की प्राप्ति। भगवान कहते हैं कि तुम जानते हो रत्नत्रय प्राप्त करने वाले कहां पहुंचते हैं, जी भगवान, जिन वाणी से ही मैंने सीखा है कि रत्नत्रय प्राप्त करने वाले निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो हे प्रभु सुगई गमनम, सुगति शब्द का अर्थ यहां पर देव और मनुष्य गति नहीं है, सुगति का अर्थ यहां पर परम गति है, पंचम गति है। देव और मनुष्य गति को सदगति कहते हैं और निर्वाण को सुगति कहते हैं, सुगई गमनम। मूलाचार ग्रंथ में भी टीका में इसका उल्लेख है। सुगति का सामान्य अर्थ अगर लगाएं तो अलग निकाल सकते हैं आप, सु यानी शोभना गति, कोई भी सुंदर गति है उसको सुगति कह सकते हैं, लेकिन यहां पर जो प्रार्थना में कहा जा रहा है वो निर्वाण है। तो भगवान कहते हैं कि रत्नत्रय धारण करके भी ऐसे सीधे सीधे निर्वाण प्राप्त नहीं होता, ऐसे सुगति डायरेक्ट नहीं मिलती। समाधि मरण पूर्वक प्रयाण करने पर ही यह स्थिति बनती है। समाहि मरणम, प्रार्थना करते हैं समाहि मरण, मेरा समाधि मरण। समाहि मरणम का अर्थ क्या होता है, धर्म ध्यान के साथ मृत्यु का क्षण गुजर जाए, समाधि मरण, धर्म ध्यान के साथ मरण। तब फिर कहते हैं कि धर्म ध्यान के साथ मरण करने पर सीधे सीधे मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन मोक्ष जाने से पहले जिस भव में तुम्हारा द्रव्य, तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा काल और तुम्हारा भाव निर्वाण योग्य हो जाएगा, उस भाव में तुम पहले अरिहंत बनोगे फिर सिद्ध बनोगे। जिन गुण संपत्ति हो मचन, जिनों के गुणों की संपत्ति अथवा संप्राप्ति मुझे हो। संपत्ति का अर्थ प्राकृत से संस्कृत छाया करने पर संपत्ति भी होता है और संप्राप्ति भी होता है, तो यहां संप्राप्ति हो ऐसी भावना भक्त कर रहा है। तो क्या क्या प्रार्थना की, दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगई गमन, समाहि मरण, जिन गुण संपत्ति, छह प्रार्थना की, कितनी सुंदर प्रार्थना है। तो अपन जितना छोटा बनते हैं भगवान अपने लिए उतने बड़े हो जाते हैं, और वो जितने बड़े हो जाते हैं उनकी भक्ति अपने को उतना बड़ा बना देती है।
भक्ति का मार्ग सुगम नहीं है। इस मनुष्य भव में अपने सामने धर्म की जो संवेदना है, धर्म का जो रस है, उसको पाने के ये तीन उपाय हैं। एक तो भक्ति है, फिर दूसरा है ज्ञान। आप सरस्वती की आराधना में डूब जाइए, जिनवाणी में तल्लीन हो जाइए, सच्चे ज्ञान की पहचान है कि वो अभिमान को हटा देता है। जो ज्ञानी होगा वो मानी नहीं होगा, और जो मानी होगा वो सच्चा ज्ञानी नहीं होगा। तो जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी उतनी विनय आएगी। वृक्ष पर जितने अधिक फल लगते हैं वो वृक्ष धरती की ओर उतना झुक जाता है, विनम्र हो जाते हैं गुणीजन। एक बहुत बड़े संगीतकार ने एक सुंदर घटना सुनाई। वो कहते हैं कि मैं पहाड़ी इलाकों में रहता था, मेरा बचपन पहाड़ों में बीता। तो हम लोग जब पहाड़ चढ़ते थे तो हमेशा नीचे देखकर ही चढ़ते थे। पहाड़ चढ़ते समय सभी को अनुभव है, जिन जिन शिखर जी की, मुक्तागिरी की, तारंगा जी की और अन्य पर्वतों की वंदना की है, पावागढ़, गिरनार जी, शत्रुंजय गिरी, सब बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनकी जिन्होंने वंदना की है। तो आप स्मरण करो कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपकी दृष्टि कहाँ होती है? नीचे की ओर होती है। बस इसी प्रकार जिनको गुणस्थानों पर आरोहण करना है उनको अपनी दृष्टि नीचे रखनी होगी, भगवान के चरणों में रखनी होगी। इस तरह अकड़ कर न तो पहाड़ चढ़ा जा सकता है, नहीं बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा की श्रेणियों पर आरोहण किया जा सकता है। तो भक्ति झुका देती है। भक्त का अर्थ टूटा हुआ होता है। कहां से टूटा हुआ? अभिमान से टूटा हुआ। वो अकड़ नहीं सकता, सिकुड़ सकता है, अकड़ नहीं सकता। और जब तक अकड़ नहीं जाती तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आती। ये भक्ति का मार्ग है। थोड़ी प्रशंसा हो गई, सम्मान मिल गया, यश कीर्ति हो गई, तो चाल बदल जाती है। जबकि इस विशाल विश्व को अपन देखें तो अनंत जीवों में से आपको कितने लोगों ने जान लिया, कितने लोगों ने पहचान लिया? कुछ लाख की संख्या होगी अथवा कुछ करोड़ की, अरब की संख्या होना भी मुश्किल है। नमस्ते।
इसलिए भक्ति मार्ग में अभिमान को कोई स्थान नहीं दिया गया। ज्ञान मार्ग में भी वही स्थिति है, जो सरस्वती के आराधक होते हैं बहुत अद्भुत बात है ये। सरस्वती के भंडार में, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यो ज्यो बांटत जात है त्यों त्यों बढ़ती जात। लक्ष्मी का भंडार ऐसा होता है कि आप बांटोगे तो आपका खजाना कम होगा, लेकिन सरस्वती है, ज्ञान आप जितना बांटोगे वो बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी बात, जो सरस्वती के आराधक होते हैं उनको अविनाशी लक्ष्मी प्राप्त होती है, ये नियम है। और जो लक्ष्मी के आराधक होते हैं उनको सरस्वती की प्राप्ति दुर्लभ होती है। आप देखो, लक्ष्मी संपन्न लोग सरस्वती संपन्न बहुत कम मिलेंगे। इसलिए ये दूसरा मार्ग जो धर्म क्षेत्र में है वो सरस्वती की आराधना का मार्ग है, परमात्मा की आराधना का मार्ग भक्ति मार्ग है, सरस्वती की आराधना का मार्ग ज्ञान मार्ग है, और आत्मा की आराधना का मार्ग ध्यान मार्ग है, चर्चा मार्ग नहीं है। बस इन तीनों में जो आनंद है वो जिन्होंने प्राप्त किया है वे ही जानते हैं, और जो प्राप्त करेंगे वो जानेंगे। इन तीन के सिवाय मनुष्य भव में कोई सार नहीं है। आप स्वयं विचार करके देखें। इसका पद्यानुवाद देख लो। बुद्ध आप ही क्यों किसरों से अर्चित है तब बोध विकास, तीनों जग को कर आनंदित देते शंकर का भास। मोक्ष मार्ग के विधि विधान से धीर विधाता है तब नाम, प्रकट आप ही है पुरुषोत्तम भगवन सर्व गुणों के धाम। जय जय आदिश्वर स्वामी घट घट के अंतर्यामी, जय जय आदिश्वर स्वामी शिवपथ गामी जग नामी। तो अभी जो ये भक्ति की बात निकली थी इसमें एक जानने योग्य चर्चा ये है कि जब आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, तब आपको इतना सावधानी रखनी होगी कि उस आराधना में आपको अपने गुणों का स्मरण नहीं करना है। आपको ऐसी पूजा करनी है जिस पूजा की पंक्तियां आत्मा का गुणगान न करती हो, परमात्मा का ही गुणगान करती हूं। काल के प्रभाव से कुछ ऐसी पूजाएं भी रची गई हैं जिसमें अध्यात्म का समावेश किया गया है, अध्यात्म पूजा का विषय नहीं है। पूजा अध्यात्म का विषय नहीं है, वहां केवल भक्ति अपेक्षित है। अध्यात्म
ध्यान के काल में आवश्यक है, भक्ति पूजा के काल में आवश्यक है, और भक्ति तभी संभव है जब परमात्मा अपने से बड़े होंगे, अपने समान होंगे, तो फिर भक्ति संभव नहीं है। जैसे बरसों बाद दो मित्र मिलते हैं, कोई भी एक दूसरे के चरणों का स्पर्श नहीं करता, क्यों? क्योंकि सहपाठी थे वो, समकक्ष में भक्ति कैसे हो सकती है? समकक्ष में तो मित्रता होती है। इसी तरह अगर आप पूजा में ये पंक्ति बोलोगे भगवान से, उज्जवल हूं कुंद धवल हूं प्रभु, परसे न लगा हूं किंचित भी, तो फिर भगवान में और आप में अंतर क्या रह गया? भगवान कैसे बनोगे तुम? तो आप उज्जवल हो गए, आप अपने आप को भगवान के समक्ष उज्जवल बता रहे हो। भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है। आप अपनी क्षमता का वर्णन त्रिलोकी नाथ के समक्ष करोगे तो भक्ति संभव ही नहीं है। भक्ति तभी संभव है जब अपन नगण्य हो जाए और वे सर्वोपरि हो जाए। बस इतना ध्यान रखना है। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्य कैह धवल मंगल गान रवाकुले वृषभ देव जिनेन्द्र महं यजे। ओम ह्रीं वृषभ तीर्थकराय प्रथम जिनेन्द्राय आचार्य मानतुंग देव संस्तुताय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीते स्वाहा।